काशी टू लाहौर, टीवी टूटने का शोर। तो जी हाँ, वहाँ पाकिस्तान में टीवी टूटते रहे और यहाँ इंडिया में पटाखे छूटते रहे। बॉल के मैच में तो इंडिया के बॉलर्स ने इतना धोया है ना पाकिस्तान वालों का, कि पाकिस्तान वालों का तो एकदम सूझी गया होगा बिल्कुल। क्योंकि कल के मैच में तो आंधी आया, तूफान आया, जलजला आया, मतलब जो बचा खुचा जो कुछ भी था सब कुछ आ गया कल के मैच में। क्योंकि इंडियन बॉलर्स ने पाकिस्तान की बहुत ही धुनाई की। बता दे तो कि रोहित शर्मा ने अकेले ही 6 छक्के मार दिए, पर इनसे एक भी छक्के नहीं लगे। आज इंडिया में बहुत ही खुशी का माहौल है, क्योंकि नवरात्रि पे इससे बड़ा गिफ्ट हमें और कुछ नहीं मिल सकता है। मतलब अगले 36 रनों पे पूरी की पूरी टीम सिमट गई। 36 लास्ट के 36 रन ये बना पाए 8 विकेट खोके, तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो पाकिस्तान की बहुत ही सर्वनाक बैटिंग थी। उसके बाद फिर इंडिया को 192 रनों का टारगेट मिला, तो हमने सोचा चलो मैगी बना के आते हैं। तो जब तक मैगी बना के आए तब तक हमने देखा कि इंडिया जीत गई है। मतलब पाकिस्तानियों को ना बच्चों की तरफ पीटा गया है एशिया कप के बाद। अब यहाँ भी इनको सर्वनाक हार का सामना करना पड़ा। 1992 से भारत ने पाकिस्तान पर वर्ल्ड कप में लगातार ये 8वीं जीत हासिल की। वही पूरे देश भर में खुशी का माहौल है। पुणे हो, दिल्ली हो, जम्मू कश्मीर हो, मतलब पूरे देश में खुशी का माहौल है। टीम इंडिया ने इस वर्ल्ड कप में लगातार 3री जीत हासिल कर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर हो गई है। तो क्या लगता है आपको कि इस बार वर्ल्ड कप हम जीतते हुए नजर आ रहे हैं? कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।